हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज के रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपके बारे में क्या सोचते हैं वो, या फिर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेकिन एंजल्स का नाम। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर पाए। Oh my goodness. अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, उनका पूरा नाम लीजिए। बहुत ज्यादा लॉस, पास्ट का लॉस है ये। एक कार्ड और लेते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारी रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे सच का खुलासा हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपके पर्सन हैं, ऐसा लगता है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी के साथ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा बोझ है और उनके दिमाग पे एक भारीपन से नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आगे की ओर जाना चाहते हैं, ये कुछ भी करना चाहते हैं या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी बोझ की वजह से ये दूसरी दिशा में खींचते हुए चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है इस पर्सन पे इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि इनके जो इमोशंस हैं ना, स्पेशली वो वाले इमोशंस जो इनको बार बार बोल रहे हैं कि इन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया है, इनके बहुत सारे जो अपने हैं वो पीछे छूट गए हैं, ये चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। और ये मान लीजिए कि ये इमोशंस इस पर्सन पे इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि ये बिल्कुल भी किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे इस वक्त ये रह रहे हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पे भी ये काम करते हैं, वहाँ पे आपका कोई कनेक्शन ज़रूर है। या तो आपके साथ ये आए हैं, या तो फिर ये मान लीजिए कि जिस घर में ये रहते हैं या उसके आसपास किसी जगह में अगर आप दोनों मिले हैं कभी, वो यादें जो हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। रोज़ अगर इनका आने जाने का रास्ता वहीं से है, तो यकीन मानो इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सुबह शाम वहाँ से गुजरना। तो ये पर्सन जो है आपकी मेमोरी से जितना ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपकी मेमोरीज इनको परेशान कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ साफ हो गई है, ये पर्सन शायद इस जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। दूर इसलिए ताकि इनको थोड़ा सा सुकून मिल सके, क्योंकि जब भी आपके बारे में पूरा पूरा दिन सोचते हैं, यकीन मानिए इनको अच्छा तो बहुत लगता है। इनको कभी कभी लगता है कि आप इनके बहुत ज़्यादा करीब हैं, और अभी भी आप दोनों के बीच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, जिससे हम सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, वापस से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन इस बात से भी डरते हैं कि अगर ये आपके पास आए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पाने के चक्कर में ये आपको और ज़्यादा खो दें। कहने का मतलब है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनसे नफरत कर बैठो, ठीक है। इस चीज़ का डर अभी इस पर्सन के दिमाग में मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके बारे में ये यही सोचते हैं कि आपको एक बार फिर से पा लेना ही इनके लिए एक जीत होगी। लेकिन फिर भी इस पर्सन के दिमाग में एक और प्लान चल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्रिस्टल्स बहुत पसंद है, क्रिस्टल्स, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली पर्पल कलर बहुत पसंद है। जिस तरीके से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, पर्पल, लाइलैक, हो सकता है लाइलैक कलर का फ़ोन हो, लाइलैक कलर का कवर हो, या फिर कुछ ऐसा कोई कपड़े आपको बहुत पसंद हो लाइलैक कलर के या फिर पर्पल से कलर के, इससे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में एक तरीके का उभार हुआ है, एलिवेशन जिसे कहते हैं। मतलब नीचे वाले स्टेज से ऊपर वाले स्टेज की ओर गए हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। और एक चीज़ और, पहले क्या होता था कि आपके इमोशंस इतने ज़्यादा भारी हो जाते थे आप पे कि आप कुछ और काम नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट ये मान लो इन सब चीज़ों में आपके नुकसान बहुत होते थे, तो अब तो नुकसान नहीं हो रहे, आप बहुत ज़्यादा गार्डेड
लग रहे हो, मतलब कि आप बिल्कुल केयरफुली देखते हो कि किसको अपने पास आने देना है, किससे बात करनी है, किसकी बातों को दिल पर लगाना है और किसको बिल्कुल ही इग्नोर करना है। ये सारी चीज़ें आपके मन में अभी है और बहुत अच्छा आप कर रहे हो। आपके पर्सन की हालत अगर मैं बताऊँ, ये रही आपके पर्सन की हालत। देखिए किस प्रकार से आपके पर्सन को चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया है और ये पर्सन बिल्कुल मुँह छुपा कर रो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना तैयार होना, अपनी देखभाल करना, स्टाइल से तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना, गाड़ी से उतरना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मतलब जब लोग इनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना कि यार आप तो बड़े स्मार्ट हो और आप तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो, आपके जैसा कोई नहीं है, तो उस पर्सन को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इन दिनों बिल्कुल पासा उल्टा पलटा हुआ है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस पर्सन को बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि इनके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, कैसे तैयार होना है, कैसे ये दिखते हैं, लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये सब ना काफ़ी टाइम से चल रहा है, इनके ऊपर दुख के बादल बहुत ज़्यादा उमड़ पड़े हैं, बहुत उम्र पड़े हैं। मुझे लगता है हर तरीके से ये हार देखते देखते देखते, मतलब इनकी जो लव लाइफ है, आपके साथ जो इनका कनेक्शन था, वो दूर जाने का डर तो हावी हो ही रहा है। प्लस ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई और ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जो एक ख्वाहिश है, इनका जो इकलौता प्यार हो, इकलौता सच्चा प्यार हो, वो भी इनकी नज़रों से दूर हो जाए। देखो यहाँ पे है 10 of Cups। देखिए ये चाहते क्या हैं, चाहते हैं ये आपके साथ फ्यूचर, चाहते हैं ये आपके साथ बच्चे, चाहते हैं ये आपके साथ पूरा का पूरा, जब तक ये इस धरती पे हैं सारा समय आपके साथ बिताएं, अलग अलग जगह पे जाएं, आप इनका सपोर्ट बनो, ये आपका सपोर्ट बने, आपको हमेशा खुश रखें, ताकि आप इनके अलावा किसी और के बारे में कभी सोचो भी मत। पर इस समय जो इस पर्सन की हालत है वो ये साफ बताती है कि ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल भी जी नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं, कार्ड्स हमें बताएं इस समय ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अक्सर काम में बिजी रहने के कारण ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि ये हमेशा से अपने काम को ही ऊपर रखा करते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है, इनके मन में अभी ये चल रहा है इस वक्त, कि कहीं ना कहीं ये अपने काम की वजह से ही, व्यस्त रहने की वजह से ही आपको समय नहीं दे पाए, दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के कारण ही आप दोनों के बीच में आया है टावर मोमेंट। इतना अगर ये आपके रिलेशनशिप में ध्यान देते, अगर आपकी बात सुनते, तो शायद आपके बीच में ये टावर मोमेंट नहीं आता। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनकी सुई आप पे ही अटक गई है। ठीक है, पुराने मोमेंट्स को बार बार ये एक्सप्लोर करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही आपकी यादों से कभी भी दूर नहीं जाना चाहते। इनके लिए खुद को अपनी अपनी ज़िंदगी में आपका मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है आपकी यादों से दूर इसलिए भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर ये आपकी याद से दूर चले गए तो ये मान लो कि खुद से ही दूर चले जाएंगे। इस पर्सन की पर्सनालिटी आपसे बहुत अलग है, जैसी आपकी है उससे बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, या फिर सेम सेम हिसाब लगा लीजिए कि जैसे कि इनकी पर्सनालिटी आपके उनसे अलग है, तो ये पर्सन एक तरीके से ज़िंदगी में आपको अपनी लाइफ में इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपके साथ रह के ये बहुत बदलाव महसूस करते हैं, ये बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इनफैक्ट इनको बहुत ज़िंदा दिली महसूस होती है आपके साथ रह के। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है कि इनकी लाइफ ऐसे चल रही थी, पर जब जब ये आपके साथ रहते हैं तो ये अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा पहचान पाते हैं, ये अपने इमोशंस की कदर करते हैं, इन्होंने हंसना सीखा है आपके साथ रह के, इन्होंने लाइफ को कैसे जीना है वो सीखा है आपके साथ रह के, प्यार क्या होता है, किसी के लिए महसूस करना प्यार वो क्या होता है। आप इनके अंदर एक बहुत ही फ्रेश सी एनर्जी ले आते हो, इनके अंदर एक जोश से आ जाता है, वरना आपके बिना इनकी लाइफ बहुत सूखी सूखी, रूखी रूखी सी और बहुत बोरिंग किस्म की है लिटरली। तो ये मान लो कि इनका आपके साथ रहने का बहुत फ़ायदा है, ओवरऑल ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ इस कदर प्यार में पड़ गए हैं कि प्यार तो सिर्फ एक ही बार हो गया है, अब इनसे दोबारा ना हो पाएगा। ठीक है, दिल तो सिर्फ एक ही बार दे दिया है, तो ये हर किसी को नहीं दे पाएंगे, इसी वजह से ये आपको हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते हैं। और इस समय जो टावर मोमेंट है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ का डिफ़िकल्ट फेज़ है, देख लो, बहुत ही तकलीफदायक है इनके लिए। ठीक है,
आप विश्वास नहीं करोगे उनके हेड स्पेस में कितनी सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे बोलना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आप चाहते हो कि वो आपसे बात करें, आके आपके साथ चीज़ें डिस्कस करें, चीज़ों को क्लियर करें, जो चीज़ उस टाइम नहीं बोल पाए थे एटलीस्ट सच सामने आना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें इनके मन में चलती रहती है। और आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये आपको कॉल करें या आपको बातें बताएं, इतने दिन तक क्यों नहीं आए, वो सारा कुछ क्लियर करें। तो यही सारी बातें इनके मन में भी हैं और इनको बखूबी पता है आप क्या चाहते हो। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। वीडियो को लाइक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक दिया गया है, प्लीज़ मिस मत करिएगा। कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।